आज मैं आपके लिए कुल्हड़ पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैंने इसको ट्राई किया था घर पे, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ इस रेसिपी को। और ये रेसिपी आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है, और पिज़्ज़ा चाहे छोटे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो इसे बिना ओवन के आज हम बनाएंगे, तो बनाते हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने मार्केट से इस तरह के कुल्हड़ जो है वो ख़रीदे हैं, जिस जगह पर हम मटके वगैरह ख़रीदते हैं बहुत इजीली उस जगह पर आपको ये मिल जाएंगे। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ तैयारियां करके मैंने रखी हुई हैं। ये प्याज को मैंने चॉप करके रखा हुआ है, पनीर को ऐसे क्यूब में कट किया है, और बेल पेपर लिया है येलो, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर, और स्वीट कॉर्न को मैंने बॉईल करके लिया है। और पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बर्गर लिए हैं, बर्गर बंस। इसको कट करके हम पिज़्ज़ा बेस में यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह आप ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बर्गर्स को यूज़ किया है। तो इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी। अगर आपके पास बर्गर नहीं है तो आप ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं, उसके भी छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कट करने हैं पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए बर्गर को जो है मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। पिज़्ज़ा स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन ले लिया है। पैन में मैं 2 चम्मच बटर डाल रही हूँ, घर का बना हुआ बटर है, आप चाहे तो मार्केट वाला बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो ये देखिए प्याज जो है वो अच्छे से सॉटे हो गए हैं, और बाकी की वेजिटेबल्स भी जो है वो डाल देते हैं इसमें, बेल पेपर, शिमला मिर्च, कॉर्न भी डाल देंगे साथ में ही, और साथ में ही पनीर। और सारी वेजिटेबल्स को हमें अच्छे से सॉटे करना है 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें, वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो रहना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से हम पिज़्ज़ा पर टॉपिंग करते हैं उसी तरह की टॉपिंग जो है वो हमें तैयार करनी है। और ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज मैंने घर पर ट्राई किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर की जाए इस रेसिपी को। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ जो है वो सॉटे हो गई हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, ये घर में बना हुआ ही पिज़्ज़ा सॉस है, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड चीज़ ये भी 2 चम्मच डालूँगी मैं, और 2 चम्मच मेयोनीज डाल रही हूँ, और 2 चम्मच टमाटो केचप। सारी सॉसेस जो हैं वो डल चुकी हैं, अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ में। नमक जो है थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा आप, क्योंकि हमने जो सॉसेज यूज़ किए हैं उनके अंदर भी नमक होता है। वेजिटेबल्स के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में ही हम डाल देंगे इसमें बर्गर जो हमने छोटे पीसेस में कट करके रखा था, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ में। बस हमें 1 मिनट के लिए और अच्छे से इसे कुक करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक बड़े बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए मैंने इसको बड़े बाउल में निकाल लिया है, और कुल्हड़ भी मैंने रखी है अपने पास। अब कुल्हड़ में हमें इसको फिल करना है जो मिक्सचर हमने बनाया है पिज़्ज़ा का, तो इस तरह से इसको कुल्हड़ में हमें फ़िल करना है, आधा ही फिल करना है। तो दोनों कुल्हड़ में मैंने आधा आधा इसको फिल कर लिया है अच्छे से। आप चाहें तो इस मिक्सचर को ब्रेड पे लगा कर ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम चीज़, ये पिज़्ज़ा चीज़ है मोज़रेला, तो आधा आधा फिल करके फिर थोड़ा हमको इसमें चीज़ डालना है, वापस से लिक्विड चीज़ डालेंगे इस पर।
पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, थोड़ा सा केचप डालेंगे और दोबारा से जो फिलिंग है इसको डालेंगे और पूरा ऊपर तक फिल कर लेंगे इसको। पिज़्ज़ा की आप एक और रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैगी पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है वो भी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने जो है दोनों कुल्हड़ को फिल कर लिया है ऊपर तक इसमें फिलिंग डाल के, और अब हम इस पर वापस से चीज़ लगाएंगे। तो पहले मैंने लिक्विड चीज़ डाल लिया था थोड़ा सा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप डाला है, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाला है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़ दोबारा से, अच्छे से इसके पूरे जो टॉप है इसको अच्छे से कवर कर लेंगे हम चीज़ से पूरा, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हम ऑरेगानो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और आज हम कुल्हड़ पिज़्ज़ा को ओवन में नहीं पतीले में बेक करेंगे गैस के ऊपर। तो ये देखिए चिली फ्लेक्स लगा दिए हैं, अब यहाँ पर मैंने गैस पर पतीला 10 मिनट पहले ही चढ़ा दिया था इसको प्री हीट करने के लिए। तो एक बार थाली हटा देते हैं, और पतीले के अंदर मैंने एक प्लेट रखी हुई है जिसके ऊपर की जो कुल्हड़ हैं वो इजीली जो हैं वो अच्छे से स्टैंड हो जाएं। तो ये दोनों कुल्हड़ को मैं इसके अंदर रख दूँगी और 10 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है पतीले में। अगर आप चाहें तो ओवन पे भी बेक कर सकते हैं, 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए आप इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है, 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार कवर हटाकर देख लेते हैं। तो नीचे तैयार है हमारे कुल्हड़ पिज़्ज़ा और बहुत ही अच्छे बेक हुए हैं, आप देख सकते हैं कि चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसको मैंने बोर्ड पर रख लिया है ग्लासेस को कुल्हड़ को, और बहुत ही अच्छे कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत ईजी है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।